मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से मंगलवार को 7 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लगभग 13,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान मजदूरों को ट्रेन से उतारने के बाद एक एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके बारी बारी से उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई और उनका नाम पता नोट करने के बाद लंच पैकेट, बिस्किट, फल और पानी दिया गया। उसके बाद जिला वाइज उनके जिले की बसों में बैठा कर उनके गंतव्य को रवाना किया गया। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक बस में 25 श्रमिकों को ही बैठाया गया। इस संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि श्रमिकों की जांच के लिए जिला अस्पताल से 13 काउंटर बनाया गया है और उनके जिलों में भेजने के लिए परिवहन निगम की बसों को लगाया गया है। सकुशल घर वापसी पर श्रमिकों ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अशोक श्याम सुंदर और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जो वर्षा का अंतराल कम हो रहा है, छब्बीस में हमारी वर्षा सीमित जा रहा है, उसके बाद ही नाम लिखें, चालक परिचालक ध्यान दें, बस में यात्री को बिठाएं, जो भी पुलिस कर्मी ड्यूटी कर रहे हैं, एक नंबर से 7 नंबर तक की बसें लगी हुई है, धनगटा
खलीलाबाद। कुशीनगर के लिए 10 नंबर 11 नंबर बस है। बबलू ये सामने देखो जो सामने भीड़ लगी हुई है, कहाँ के लिए ये लोग हैं, पूछ के बैठाइए सबको तुरंत। 1 नंबर बैठ जाइए, 11 नंबर की छोटी वाली बस है, बैठ जाइए तुरंत तुरंत। चलिए गोला के लिए 22 नंबर बस पकड़िए। कहाँ के कितने लोग हैं? 5 लोग हैं ना, इनको हटाओ, ले जाओ सिद्धार्थ नगर बस तक। लुधियाना से ट्रेन आई है, ट्रेन लुधियाना से आई है गोरखपुर। कहाँ जाना है आपको? बेलघाट क्षेत्र में। सरकार के द्वारा आपको घर तक पहुँचाया जा रहा है, जाना चाहेंगे तो? अरे भैया गाड़ी क्या करना, अच्छी बात है सब पहुँचा रहे हैं। श्याम सुंदर गोरखपुर। कहाँ आप जाएंगे? इधर जाना, गोरखपुर ही जाना है, खजनी जाना है। सरकार के द्वारा आपको घर तक पहुँचाया जा रहा है, मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है महामारी में। हाँ जी, तो सरकार के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छा है सर, आज ये 7वीं ट्रेन है जो मंगलौर से आई है और इसमें भी लगभग 1200 के आसपास पैसेंजर्स हैं। सभी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ट्रेन में बैठकर आ रहे हैं। स्टेशन पर भी सर्कल्स खींच कर उनको वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से खड़ा किया जाता है। स्कैनर से स्कैनिंग करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसमें नाम है, पिता का नाम है, पता है, मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है और वो बेंगलोर या स्टेट में क्या काम कर रहे थे, ये भी रिकॉर्ड किया जाता है। ये सब रिकॉर्डिंग के बाद सोशल डिस्टेंसिंग करके रो बनाई जाती हैं और बसों में डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्हें बैठाकर संबंधित जनपद को रवाना किया जाता है। इसी दौरान उन्हें पानी और जो हमारा फूड पैकेट है वो भी उपलब्ध कराया जाता है। लगभग सुबह से अब तक करीब 13,000 के आसपास आ चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से शासन के निर्देशानुसार कमिश्नर साहब और जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के निर्देशन में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सर क्या क्या दिया जा रहा है? फूड पैकेट्स में हम लोग केले भी दे रहे हैं और मठरी है और समोसा है, इस टाइप के नमकीन का पैकेट है, एक मिठाई है, एक ये भी दिया जा रहा है। दूसरा दाल बाटी जो होती है, लिट्टी चोखा, वो भी पैकेट्स बना के दिए गए हैं। बच्चों के लिए भी सब कुछ है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट्स है, पानी है, सब दिया जा रहा है।